हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन एंड ह्यूमन डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। ये बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी थर्ड पेपर का टॉपिक है और ये जूलॉजी थर्ड पेपर के यूनिट सेकेंड का टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वायरस के बारे में डिस्कस किया था, तो यदि आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा इन्फेक्शन एंड ह्यूमन डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। सो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेक्शन के बारे में एंड उसके बाद हम देखेंगे कुछ डिसीज़ जो कि ह्यूमन में बैक्टीरिया एंड वायरस के कारण होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन्फेक्शन क्या होता है, होस्ट के शरीर के अंदर किसी पैथोजन के प्रवेश को हम इन्फेक्शन कहते हैं। यानी होस्ट के बॉडी के अंदर जब कोई पैथोजन एंटर करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, तो उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो बात आती है कि ये पैथोजन होता क्या है। तो जो रोग उत्पन्न करने वाले ऑर्गेनिज होते हैं, यानी जो डिसीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं, जो डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया एंड वायरस, उसको हम कहते हैं पैथोजन। यानी जब कोई भी पैथोजन होस्ट के बॉडी में एंटर करता है तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। तो ये जो इन्फेक्शन होता है, इससे किसी भी रोग के लक्षण विकसित हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि पैथोजन जो होते हैं वो स्वस्थ मनुष्य में जो इन्फेक्शन करते हैं वो टू टाइप से करते हैं। यानी पैथोजन स्वस्थ मनुष्य में इन्फेक्शन टू टाइप से करते हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन एंड सेकेंड है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। यानी पैथोजन का डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड पैथोजन का इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। तो फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन का डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो पैथोजन का डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, जब कोई स्वस्थ मनुष्य किसी इन्फेक्टेड मनुष्य के संपर्क में आता है तो वहाँ पे वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है पैथोजन का। तो इसी प्रकार कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका बाई कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से। तो जब कोई स्वस्थ मनुष्य इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है तो कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं। तो फर्स्ट है आपकी चिकन पॉक्स एंड सेकेंड है आपकी स्मॉल पॉक्स, तो ये डिसीज़ हो सकती हैं। सेकेंड है आपका कॉन्टैक्ट विद सॉइल, यानी सॉइल के कॉन्टैक्ट में आने से कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं। तो डिसीज़ है आपकी टीटेनस, जो कि सॉइल में प्रेजेंट एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। थर्ड है आपकी वाई एनिमल्स वाइट, यानी एनिमल्स के काटने से। तो एनिमल के काटने के द्वारा जो डिसीज़ होती है वो होती है आपकी रेबीज। फोर्थ है आपका ड्रॉपलेट डिसीज़, यानी जो खांसने थूकने से जो आपकी जो छींटे से निकलती हैं, ड्रॉप जो निकलती हैं, उसके जो वायरस होते हैं वो एयर में आ जाते हैं। और जब वहाँ से सांस लेते हैं कोई भी स्वस्थ मनुष्य जब वहाँ पे रहता है, तो जब वो सांस लेता है तो उसके अंदर जो वायरस होते हैं वो एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण जो डिसीज़ हो जाती है। कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, जैसे आपके इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोसी है, ये डिसीज़ हो जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ़ दी फॉलोइंग आर ड्रॉपलेट डिसीज़। तो यहाँ पे आपको ड्रॉपलेट डिसीज़ का एक एग्जांपल दे दिया जाएगा और बाकी अदर डिसीज़ का दिया जाएगा। तो वहाँ से आपको देखना होता है कि कौन सी यहाँ पे ड्रॉपलेट डिसीज़ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सेकंड है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन का इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो पैथोजन का इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, किसी वेक्टर के द्वारा हो सकता है। तो ये वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वे कीट होते हैं जो पैरासाइट को, यानी पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज पर डिपेंड रहते हैं, यानी जो पैरासाइट को एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज में पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको हम वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर टॉपिक आपका जूलॉजी फर्स्ट पेपर में, जब हम जूलॉजी फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे तो इसे हम डिटेल से कवर करेंगे। तो इसमें भी आपके कुछ वेक्टर के कारण होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पैथोजन का, एंड आपका कंटेमिनेट फूड एंड वाटर के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे भी आपके कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका वाई वेक्टर, यानी वेक्टर के द्वारा जो डिसीज़ होती है वो होती है आपकी येल्लो फीवर। और भी डिसीज़ होती हैं, ये जो येल्लो फीवर होती है आपकी एडीज मॉस्किटो के द्वारा होती है। यहाँ पे जो एडीज मॉस्किटो होता है ये वेक्टर के रूप में वर्क करता है। सेकंड है आपका बाई कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा जो डिसीज़ होती है वो होती है आपकी कॉलेरा एंड हीपेटाइटिस। यानी हैजा और हीपेटाइटिस जो डिसीज़ होती हैं वो कंटेमिनेट फूड एंड वाटर के द्वारा होती हैं।
थर्ड है आपका वाई कंटेमिनेटेड ब्लड एंड इंजेक्शन, इनके द्वारा जो डिसीज़ होती है वो होती है आपकी एड्स। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज़, जो किस किस बैक्टीरिया एंड वायरस के द्वारा होती हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिसीज़ दी हुई हैं एंड यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है कि कौन से बैक्टीरिया से ये डिसीज़ होती है। तो ये यहाँ पे 8 डिसीज़ दी हुई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आपके बॉटुलिज्म, तो जो ये जो डिसीज़ होती है स्ट्रीडियम बॉटुलिज्म के द्वारा होती है। सेकेंड है आपकी टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफस के द्वारा होती है। थर्ड है आपकी कॉलेरा जो कि आपके बिब्रेलो कॉलेरा के द्वारा होती है। फोर्थ है आपकी टीटेनस जो कि आपकी क्लॉस्ट्रिडियम टीटेनी के द्वारा होती है। फिफ्थ है आपका ट्यूबरक्लोसिस जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होती है। सिक्स है आपकी डिप्थेरिया जो कि आपकी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के द्वारा होती है। सेवन्थ है आपकी निमोनिया जो कि आपकी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होती है। और यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है कि निमोनिया किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। एंड एट्थ है आपकी लेप्रोसी जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेला के द्वारा होती है। तो ये जी आपकी डिसीज़ जो कि आपकी बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। इसके बाद देख लेते हैं कुछ वायरस डिसीज़। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका डिसीज़ कॉजिंग वायरस, तो यहाँ पे डिसीज़ दी हुई हैं, कुछ वायरस दी हुए हैं, यानी जो डिसीज़ ये जो डिसीज़ होती हैं वो किस किस वायरस के द्वारा होती हैं। फर्स्ट है आपका एड्स डिसीज़ होती है, HIV वायरस के द्वारा होती है। सेकेंड है आपकी इन्फ्लुएंजा जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होती है। थर्ड है आपकी चिकन पॉक्स जो कि चिकन वायरस के द्वारा होती है। फोर्थ है आपकी रेबीज जो कि स्ट्रीट वायरस के द्वारा होती है। एंड फिफ्थ है आपका येलो फीवर जो कि आरवो वायरस के द्वारा होता है। एंड सिक्स है आपका हीपेटाइटिस जो कि हीपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।